उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में बिरमा नदी पुल के पास समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता समय समय पर चेक करते रहें, गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक एक तरफ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चालू करा दिया जाएगा। उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सड़क मार्ग की स्थिति, फ्लाईओवर ब्रिज समेत कई चीजों की समीक्षा की। वहीं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव गृह के ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर में स्लैब तथा आरओबी के कार्यों को तेजी से कराया जाए। वेरी गुड। क्या काम देखते हैं आप? अर्थों का देखते हैं, काम तेजी से हो रहा है, मजबूती से। आज हमीरपुर जनपद में ये तीसरा स्टॉप है, जहां चित्रकूट, बांदा और अब हमीरपुर में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम साहब और कप्तान साहब यहां पर हैं, हमारे सहयोगी हमारे सीजीएम साहबान और चीफ इंजीनियर साहबान, और यहाँ पर अशोका बिल्कॉन के जो है सभी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, मिस्टर लोकंकर उनकी टीम है। रिकॉर्ड टाइम में इस सड़क को बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी ही जो इसका मेन कैरेज है इसको पूरा कर दिया जाए। हम लोग यहाँ बिरमा नदी के पुल पर खड़े हैं, आपने देखा होगा ये पुल लगभग 18 से 20 महीने में पुल ही तैयार कर दिया गया है। साधारणतः इस तरह के पुल 3 से 4 साल लेते हैं, लेकिन हम लोग ने 20 महीने में इसको किया है। लेकिन फिर भी इस काम को और जल्दी से जल्दी पूरा करें, और हमारी कोशिश है कि चित्रकूट से दिल्ली जो है लगभग 6 से 6 घंटे में लोग पहुंच जाएं। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, इस विजन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जल्दी जल्दी हम लोग पूरा करें। कल वो स्वयं भी एक रिव्यू लखनऊ से पूरे बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे का करेंगे।